मेरे और दानिश के रिश्ते से पहले एक और रिश्ता जुड़ा है और वो है सानिया आपी का। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। अरिया प्लीज मेरा फोन उठाओ। किस मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे आलियान। मेरे एक फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, लेकिन तुम गलत कर रहे हो और उससे बढ़कर मुझे गलत समझ रहे हो। प्लीज मुझे कॉल बैक करो आलिया। प्लीज मुझे कॉल बैक करो आलिया, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी मानोज मर जाएगी। किसका फोन था? अम्मी वो प्रोफेसर शमीम का था, नोट्स का पूछ रही थी। क्या बात है मानूर? नहीं कोई बात नहीं अम्मी। मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं शादी नहीं कर सकती। क्या? कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि सानिया आप भी इस घर में रहते हैं, कहीं मेरे साथ साथ उनकी भी तलाक ना हो जाए। अम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ तुम्हारी शादी की फिक्र है? बाकी सारी फिक्रों से आजाद हो गई हूं मैं? नहीं, मैंने अम्माद से पहले इस बारे में बात कर ली है और उसने दानिश से भी पूछ ली है। दानिश को तुम्हारे आगे पढ़ने पे कोई एतराज नहीं। और बोलो और क्या बात है? नहीं बस यही बात थी। चलो तुम मेरा फखर हो, खुश रहो। फोन दे दो मुझे अपना। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा पढ़ाई का भूत तुम्हारे सर पे सवार रहेगा। हानिया को भेजती हूँ हेल्प के लिए। Thank you.
हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आपको किससे बात करनी? प्रोफेसर शमीम से बात करनी है। जी जी, मैं पूनी का बेटा बात कर रहा हूँ। वो वॉशरूम गई हुई है, अभी वापस आती हैं तो मैं कॉल बैक करवाता हूँ आपको। नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं, बस मेरा एक मैसेज दे दीजिएगा उन्हें। मानूर की अम्मी बोल रही हूँ। उनसे कहिएगा कि 2 दिन तक उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, आज उसकी मंगनी है। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आंटी। खैर मुबारक, मैं बता दूंगा। थैंक यू बेटा।